खबर है रीवा से, जहां पिता द्वारा पुत्र को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। यहां आपसी विवाद के दौरान पिता ने पुत्र के ऊपर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिस दौरान गोली पुत्र के पैर को चीरती हुई निकल गई है। बीती रात हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कराया गया है। वहीं पुलिस ने पिता के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया है और बंदूक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल पिता द्वारा पुत्र को गोली मारने का यह मामला जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत बुढ़िया का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बुढ़िया में रहने वाले रजनीश सिंह का पुत्र रोशन सिंह से पारिवारिक विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुए इस विवाद के दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि पिता ने लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और पुत्र पर फायर कर दिया, जिस दौरान बंदूक से निकली गोली पुत्र के पैर को चीरती हुई निकल गई। हालांकि गोली बाहरी हिस्से में लगी, जिसके चलते घायल पुत्र बाल बाल बच गया। इधर गोली चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जहां उपचार के लिए रायपुर करचुलियान के ही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, तो वहीं पिता को गिरफ्तार कर लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद में पिता ने अपने पुत्र पे लाइसेंसी उसे और राइफल से गोली चलाई है 12 बोल का, तो कुछ छर्रे के जो हैं उसके पैर पे पुत्र के लगे हैं, जिसके आधार पे इसमें पुरानी धारा 307 अभी नए में 109 के अंतर्गत इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया गया है और पूरी जांच की जा रही। जो समझ में आया है कि तब समय पिता पुत्र में किसी बात पे विवाद हो गया था और पिता ने उसमें गुस्से में इस प्रकार से कार्य किया।